धार्मिक कार्यों में शंख बजाने की परंपरा आखिर क्यों है? पूजा पाठ, उत्सव, हवन, राज्याभिषेक आदि शुभ कार्यों में शंख बजाना शुभ और अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि इसे विजय, समृद्धि, यश और शुभता का प्रतीक माना गया है। मंदिरों में सुबह और शाम के समय आरती में शंख बजाने का विधान है। शंखनाद के बिना पूजा अर्चना अधूरी मानी जाती है। सभी धर्मों में शंखनाद को बड़ा ही पवित्र माना गया है। अथर्ववेद के चौथे कांड के 10वें सूक्त में स्पष्ट कहा गया है कि शंख अंतरिक्ष, वायु, ज्योतिर्मंडल एवं सुवर्ण से संयुक्त है। इसकी ध्वनि शत्रुओं को निर्बल करने वाली होती है। पुराणों में श्री विष्णु का पांचजन्य, अर्जुन का देवदत्त आदि शंख शत्रुओं के दिल दहलाने वाले तथा हितैषियों के मन में हर्ष एवं उल्लास फैलाने के लिए प्रसिद्ध है। यह हमारा रक्षक है। यह राक्षसों और पिशाचों को वशीभूत करने वाला, अज्ञान, रोग एवं दरिद्रता को दूर भगाने वाला तथा आयु को बढ़ाने वाला होता है। पूजा के समय जो व्यक्ति शंख ध्वनि करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह भगवान विष्णु के साथ आनंद पाता है। शंख को सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद बजाने के पीछे मान्यता यह है कि सूर्य की किरणें ध्वनि की तरंगों में बाधा डालती हैं। शंख ध्वनि का तन मन पर प्रभाव पड़ता है और इसमें प्रदूषण को दूर करने की अद्भुत क्षमता होती है। भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने अपने यंत्रों के माध्यम से यह खोज किया था कि एक बार शंख फूकने से उसकी ध्वनि जहाँ तक जाती है, वहाँ तक के अनेक बीमारियों के कीटाणु ध्वनि स्पंदन से मूर्छित हो जाते हैं एवं नष्ट हो जाते हैं। यदि यह प्रक्रिया प्रतिदिन जारी रखी जाए तो वायुमंडल कीटाणुओं से मुक्त हो जाता है। बर्लिन विश्वविद्यालय ने शंख ध्वनि पर अनुसंधान कर पाया कि इसकी तरंगे बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए उत्तम एवं सस्ती औषधि हैं। बैक्टीरिया के अलावा हैजा, मलेरिया के कीटाणु भी शंख ध्वनि से नष्ट हो जाते हैं। मूर्छा, मिर्गी, कंठमाला और कोढ़ के रोगियों के अंदर शंख ध्वनि की प्रक्रिया से रोगनाशक शक्ति उत्पन्न होती है। कहा जाता है कि शंख ध्वनि उपद्रवी आत्माओं यानी भूत प्रेत, राक्षस आदि को दूर भगाती है, दरिद्रता का नाश करती है। इसलिए हमारे यहाँ भी प्रसिद्ध है, शंख बाजे भूत भागे। निरंतर शंख ध्वनि सुनते रहने से हार्ट अटैक नहीं होता, गूंगापन और हकलाहट में लाभ मिलता है। इसी कारण छोटे छोटे बच्चों के गले में छोटे छोटे शंखों की माला पहनाई जाती है, जिसका विश्वास यह किया जाता है कि इससे वे जल्दी बोलने लगते हैं। शंख बजाने से फेफड़े शक्तिशाली बनते हैं, जिससे श्वास की बीमारियां जैसे दमा आदि नहीं होते। शंख में जल भरकर पूजा स्थान में रखा जाना और पूजा पाठ अनुष्ठान होने के बाद श्रद्धालुओं पर उस जल को छिड़कने के पीछे मान्यता यह है कि इसमें कीटनाशक शक्ति होती है और शंख में जो गंधक, फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा होती है, उसके अंश भी जल में आ जाते हैं। इसलिए शंख के जल को छिड़कने और पीने से स्वास्थ्य सुधरता है। प्राचीन काल में और अभी बंगाल में स्त्रियां शंख की चूड़ियां पहनती हैं।